दोस्तों आज हम इस वीडियो में मारवाड़ किसान आंदोलन को जानेंगे। मारवाड़ राज्य द्वारा 29 अक्टूबर 1923 को मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने से मारवाड़ से बड़ी संख्या में पशु बाहर जाने लगे। किसानों ने इसका विरोध किया। उनका साथ जयनारायण व्यास और हितकारिणी सभा ने नेतृत्व करते हुए दिया, जिसके कारण 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह मारवाड़ के किसानों की विजय थी। पुनः जुलाई 1931 को खालसा क्षेत्र के किसानों ने भी बिगोड़ी यानी कि प्रति बीघा कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और इसके आक्रामक होने की वजह से 16 जून 1934 को बिगोड़ी कर 1 रुपये पर 3 आने को कम कर दिया गया और खालसा क्षेत्र का आंदोलन समाप्त हुआ। अब 28 मार्च 1942 को चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने एकत्र हुए किसानों पर जागीरदार ने दमन चक्र चलाया। गांधी जी ने इस नरसंहार कृत्य की निंदा करी। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद ने डाबड़ा यानी कि डीडवाना में एक किसान सम्मेलन में जागीरदार के सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 12 व्यक्ति मारे गए और इस डाबड़ा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी और प्रजा सेवक आदि समाचार पत्रों में कड़ी आलोचना की गई। प्लीज़ लाइक।